आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर दूध अमृत के समान क्यों है। महर्षि शरक ने लिखा है, व्यह पथ्यम यथा अमृतम, अर्थात दूध अमृत समान भोजन है। क्यों? दूध में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज है। लैक्टोज में दूध शर्करा जो कहते हैं, खनिज लवण है, वसा है, विटामिन ए बी सी डी, बहुत सारे विटामिन विद्यमान होने के कारण वो शरीर निर्माण, संरक्षण और पोषण हेतु अमृत तुल्य है। आपने सुना होगा घारोष्ण दूध का अर्थ है अस्तरों से तुरंत निकला हुआ दूध। वास्तव में घारोष्ण दूध का सेवन परम उपयोगी होता है, क्योंकि सामान्यतः वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश के स्पर्श या फिर थोड़ी थोड़ी देर में पीने से दूध का अधिकांश गुण नष्ट हो जाता है। नियम तो यह है कि दूध पिलाने एवं पीने वाले के शरीर का तापमान समान होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध इसलिए सर्वोत्तम आहार कहा गया है क्योंकि बच्चे दूध को माँ के स्तन से मुंह लगाकर उसमें बिना हवा लगे प्राकृतिक रूप से ग्रहण करते हैं। आपने दुग्ध कल्प का नाम सुना। प्राकृतिक चिकित्सा में अधिकांशतः देशी गाय जो शुद्ध प्राकृतिक आहार करती हो उसके दूध से कल्प कराया जाता है। हृदय से संबंधित कुछ रोगों को छोड़कर कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो दुग्ध कल्प से न मिटे, परंतु यह कल्प किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में रहकर चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। हम आपको ये बताने जा रहे हैं, जैसे पी लिया है 40 ग्राम गाय के दही में 10 ग्राम हल्दी का चूर्ण मिलाकर प्रातः काल सेवन करना चाहिए, सिर्फ एक सप्ताह तक खाली पेट करना है, आपका पीलिया चला जाएगा। यदि आपको पेचिश है तो 25 मिली लीटर गाय के ताजे दूध को गुनगुना करने के बाद लगभग 10 ग्राम शहद मिलाकर रख दीजिए। तत्पश्चात एक कटोरी में 1/4 नींबू का रस निकाल कर रखिए। अब इस कटोरी में दूध को डालकर जल्दी से पी ले ताकि दूध नींबू रस के कारण पेट में पहुंचते फट जाए। प्रातः चाय दोनों समय से प्रयोग करें, कुछ ही दिनों में पेचिश जड़ से समाप्त हो जाएगा। फिर बवासीर है, मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। 5 ग्राम गाय के घी में 2 ग्राम जायफल घिसकर मिला लीजिए। इस मिश्रण को बवासीर के मस्सों पर लगाने से उनका दर्द समाप्त हो जाता है। 50 ग्राम गाय के मक्खन में 10 ग्राम बारीक पिसा हुआ सीधा नमक मिलाइए। इस मरहम को बवासीर के मस्सों पर प्रातः साय सोच के उपरांत लगाने से मस्से नष्ट हो जाते हैं। 20 ग्राम मक्खन के साथ 40 ग्राम काले तिल का चूर्ण मिलाकर प्रातः खाली पेट सेवन करने से 21 दिन में बवासीर के मच्छे जो मस्से होते हैं नष्ट हो जाते हैं। खट्टी छाछ के साथ मसूर की दाल का पानी मिलाकर पीने से बवासीर का रक्तस्राव बंद हो जाता है। अगर आपको कब्ज खत्म करना है तो गाय का ताजा मट्ठा 250 मीटर के साथ 5 ग्राम अजवाइन का चूर्ण मिलाकर प्रातः खाली पेट पियेंगे तो कब्ज भी दूर हो जाएगा। 250 मीटर गाय के दूध में 4 अंजीर और 8 मुनक्के डालकर उबालिए। एक उफान आने के बाद उस दूध को धीरे धीरे पीजिए। दूध में पड़े अंजीर और मुनक्के को चबा चबा कर खाएं। चेहरे की सुंदरता के लिए कामयाब है। 10 ग्राम मसूर की दाल, 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम बेसन को रात में 60 मीटर कच्चे दूध में भिगा दीजिए। प्रातःकाल इन सबको पीस कर उपटन की भांति लगाइए, उसके बाद स्नान कर लीजिए। इस प्रयोग से मुहासे, चेचक के दाग, स्त्रियों के चेहरे के अनावश्यक बाल झाइयां सब नष्ट हो जाते हैं। बालों के लिए लाभदायक है। गाय के दही को तांबे के बर्तन में डालकर उसे तब तक घोटे जब तक दही में हरापन ना आ जाए। अब इस दही को सिर पर लेप करने के पश्चात 30 मिनट बाद सिर को धो लीजिए। साबुन का प्रयोग मत कीजिए, इससे बालों के रोग दूर होंगे और गंजेपन में भी लाभ होगा। एक दिन पुराने मट्ठे से बाल धोने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है।
मुंह के छाले भी ठीक होते हैं। रात को सोते समय छालों पर दूध की मलाई लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। प्रातः खाली पेट गाय के दही के साथ पका हुआ चित्तीदार केला खाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग दूध को अमृत कहते हैं, गाय के दूध को। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।